हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मूल से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है, जो 1 केजी परवल का मूल 72 रुपया है, तो 800 ग्राम परवल का मूल ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ दिया गया है 1 केजी परवल का मूल, तो इसे 2 तरीका से हम लोग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जो है, यहाँ पर परवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परवल, परवल लिख लिए। और यहाँ पर मूल कितना है, 72 रुपया ना, तो मूल को बगल में लिख लिए। प्रश्न एक बार रिपीट करते हैं, जो 1 केजी परवल का मूल, तो हम लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 1000 ग्राम देंगे, क्योंकि केजी को किस में बदलेंगे, हम ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न दिया गया है जो 800 ग्राम परवल का मूल ज्ञात करें। तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम लिख लिए। तो 1000 ग्राम परवल का मूल कितना है, 72 रुपया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 72 रुपया। तो यहाँ पर दिया गया है आगे, जो 800 ग्राम परवल का मूल कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 800 ग्राम। तो 800 ग्राम परवल का मूल कितना ज्ञात करेंगे, तो आप यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रख लिए हैं एक्स। अब हम लोगों को क्या करना है, जो परवल का मूल ज्ञात करना है, कितना ग्राम का, तो 800 ग्राम परवल का मूल ज्ञात करना है। तो इसका पहला तरीका बता रहे हैं और दूसरा तरीका भी बता देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो 100 को x से गुना कर देंगे और 800 को जो है 72 से गुना कर देंगे। तो 100 को जो हम x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हज़ार है, तो 1000 x देंगे बराबर 800 × 72। ठीक है, यानी कि परवल जो है, यहाँ पर मूल है, तो 1000 ग्राम परवल का मूल कितना है, 72 रुपया। तो 800 ग्राम परवल का मूल हमको ज्ञात करना है, तो 800 ग्राम परवल का मूल कितना मान लिया है, x। इसके बाद क्या किए हैं, तिरछी गुना कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, तिरछी गुना। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1000 है और x को गुना किए, तो 1000 x हो गया, और 800 ग्राम है, 72 है, तो 800 × 72 कर दिए। अब हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x बराबर 800 है, तो क्या देंगे यहाँ पर, 800 × 72 बट्टा 1000 है, तो 1000, क्योंकि ये गुना के रूप में है, गुना के रूप में है, तो ट्रांसपोजिशन यानी कि स्थानांतरण का नियम है, जो अगर गुना के रूप में रहे तो दायां पक्ष जाने पर भाग में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 00 है, यहाँ पर 00 है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 8 को 72 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 × 16 = 6 हासिल 1, 8 × 7 = 56, 1 = 57। कितना हो गया, 576/10 है, तो 10। अब 576 में क्या करेंगे हम लोग, 10 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 57.6। यानी कि 800 ग्राम परवल का मूल कितना हो जाएगा, तो 57.6 रुपया। अब यहाँ पर दशमलव कैसे हो गया, देखिए बट्टा में जितना 0 रहेगा, यहाँ पर 0 है ना, यानी 0, तो 576 में हम 10 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 576 लिख देंगे, और देखेंगे जितना 0 रहेगा, जितना 0, उसको क्या करेंगे, दाएं साइड से उतना अंक छोड़ कर दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पर 576 लिखे, तो एक ठो 0 है ना, तो यहाँ पर दाएं साइड से क्या करेंगे, एक अंक छोड़ कर दशमलव बैठा देंगे, तो हो जाएगा 57.6 रुपया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जब कोई सामान खरीदेंगे तो इस प्रकार हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, जो 1 केजी दाल का मूल 60 रुपया है, तो 700 ग्राम दाल का मूल ज्ञात करें। हम लोग मार्केट जाते हैं किराना स्टोर में और दाल माल खरीदते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। एक दुकान गए, वहाँ बोले भाई साहब हमको एक दाल लेना है, यानी 1 केजी दाल लेना है। तो दुकानदार साहब ने बोला, जो 1 केजी दाम का, 1 केजी दाल का मूल कितना है, तो 60 रुपया है। तो हम बोले भाई हमको मात कितना दीजिए, तो 700 ग्राम ही हमको दाल दीजिए। तो 700 ग्राम जो दाल लेंगे, तो उसको हम कितना रुपया देंगे, उसी से संबंधित प्रश्न को सीखना है।
यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है जो दाल लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दाल। मूल है तो मूल लिखेंगे। प्रश्न में दिया है जो 1 केजी दाल, तो हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम दाल का दाम कितना है, 60 रुपया, तो यहाँ पर कितना देंगे, 60 रुपया। हमको लेना कितना है, 700 ग्राम ना, तो लिखेंगे 700 ग्राम। तो 1000 ग्राम दाल का दाम है 60 रुपया, तो 700 ग्राम को कितना मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे, और इसे क्या करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे। तिरछी गुना कर दिए तो 1000 को एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 एक्स इक्वल टू 700 गुने 60। ठीक है, हमको एक्स का मान निकालना है, इंटू का मतलब गुना होता है, तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स इक्वल टू 700 होगा यहाँ पर, तो 700 गुने 60 बटा 1000। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, और 1 जीरो से ये कट गया, और 1 जीरो से ये कट गया, तो कितना बच गया, 7 गुने 6 बराबर कितना, तो 42 रुपया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो मूल से संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे, यानी दुकानदार को हम कितना रुपया देंगे, 700 ग्राम दाल का, तो 42 रुपया देंगे। इसका और एक साधारण टेक्निक है, जो अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे, जो 1 केजी दाल का मूल जो है 60 रुपया है, तो 700 ग्राम दाल का मूल कितना होगा, तो डायरेक्ट क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर 60 लिखा है ना, तो लिखेंगे 60। बहुत ही आसान विधि है इस प्रकार जो हम लोग बना सकते हैं, 60 रुपया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 गुने, कितना है, 700 ग्राम है ना, तो यहाँ पर देंगे 700 बट्टा 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि ग्राम से संबंधित प्रश्न है, तो ग्राम से संबंधित प्रश्न है, केजी से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर देख लीजिए 700 है, तो उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। ठीक है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, यहाँ पर कितना था, 700 ग्राम था, तो 700 ग्राम था, तो उसको केजी में बदलने के लिए क्या किए हैं, 1000 से भाग दे दिए हैं। तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, तो 60 गुने 700 कर दीजिएगा, बट्टा 1000 कर दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 00 00 कट गया, 10 10 कट गया, 6 गुने 7 हो गया, तो कितना हो गया, 6 7 42 रुपया। इस प्रकार क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।